नमस्कार रुआ, आज तक देख रहल बानी और हम रुआ साथे बानी आई नैना। आज रुआ खातिर खबर लेके आयल बानी, उहो भोजपुरी में। तो आई खबर के शुरुआत कईल जाए। बिहार में फेर से राजनीतिक उथल पुथल मचल बा। अब टकराव के कारण बन गईल बा बिहार सरकार के ओर से 12वीं कक्षा खाती जारी छुट्टी के कैलेंडर। बिहार सरकार साल 2024 के स्कूली छुट्टी के कैलेंडर जारी कैले बिया जवना में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, अवुरी, रक्षाबंधन जैसन त्योहार के नाम नहीं खे। एकरा बारे में भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला कैले बिया। भाजपा व्यंग्यात्मक रूप से कहले बिया कि नीतीश सरकार के बिहार के इस्लामी राज्य घोषित करे के चाही। असल में साल 2024 में बिहार के सरकारी स्कूल में कवना दिन छुट्टी हुई, राज्य के शिक्षा विभाग एकरा संबंध में कैलेंडर जारी कैले बा। जारी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, अवुरी, ज्यूतिया जैसन त्योहार पे ये साल कवनो छुट्टी ना हुई। 2023 के कैलेंडर में तीज खातिर 2 दिन के छुट्टी या ज्यूतिया खातिर 1 दिन के छुट्टी दिहल गिल रहे। ताजा कैलेंडर में ई छुट्टी रद्द कर दिहल गिल बा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एगो कॉलेज में लिकियन बुरका अवुरी हिजाब पहन के रैंप पर चलत रहली। सोशल मीडिया पर एकर वीडियो वायरल भिला का बाद हंगामा मच गिल। मुस्लिम धार्मिक नेता एकरा पर कड़ा आपत्ति जतवले बाड़े। एकरा संगे संगे संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग भी ए मामला में तीखा प्रतिक्रिया देले बाड़े। बता दी, रविवार के ई रैंप वॉक के आयोजन भयल रहे जवना में फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी भी आयल रहली। शफीकुर रहमान कहले कि उलेमा के बुरका अवुरी हिजाब में रैंप वॉक पर आपत्ति कैल जायज बा, काहें कि लैकिन के ऐसन कैल इस्लाम के खिलाफ बा। ओह लोग के माई बाप से बातचीत होखे के चाही आ ओह लोग का खिलाफ कार्रवाई होखे के चाही। एह लोग के कहल जाओ कि ऐसन काम का के इस्लाम के बदनाम न करें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार का दिने भारत राष्ट्र समिति पर हमला करत आरोप लगवली कि अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मदद से बीआरएस मस्जिद के जमीन, आ वक्फ बोर्ड के जमीन गैरकानूनी तरीका से अपना कब्जा में ले लिया लेबिया। ए दौरान प्रियंका गांधी बीआरएस अवुरी एआईएमआईएम पर भाजपा के समर्थन करे के आरोप लगवली। कहले कि ये तीनों दल सिर्फ अपना फायदा खाती काम करेले, अवुरी एआईएमआईएम, अवुरी बीआरएस दोनों के काम कांग्रेस के हरावे अवुरी भाजपा के संगे तेलंगाना के जनता के लूटपाट करे के बा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखर के बयान से विवाद शुरू हो गिलबा। उप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तुलना महात्मा गांधी से कैले। धनखर कहले कि गांधी पछिला सदी के महान आदमी रहले, जबकि पीएम मोदी युग के आदमी हवे। जैन गुरु अवुरी दार्शनिक श्रीमद राजचंद्र जी के समर्पित कार्यक्रम के संबोधित करत उ कहले कि हम एक बात बतावल चाहतानी, पिछला सदी के महापुरुष महात्मा गांधी रहले, एह सदी के आदमी नरेंद्र मोदी हवे। उ कहले कि महात्मा गांधी हमनी के अंग्रेजन के गुलामी से सच्चाई अवुरी अहिंसा से मुक्त का देले बाड़े। प्रधानमंत्री मोदी हमनी के प्रगति के राह पर आगे ले गईले, जवना के हमनी के हमेशा देखल चाहत रहनी। उपराष्ट्रपति कहले कि महात्मा गांधी अवुरी पीएम मोदी दोनों श्रीमद राजचंद्र जी के शिक्षा के झलकत बाड़े। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार अब फेर से लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चलावत बिया। मंदिर, मस्जिद, अवुरी बाकी जगह पर जाके लाउड स्पीकर के जांच कैल जाता, अवुरी जदि एकर आवाज निर्धारित मानक से ज्यादा बा तक कार्रवाई होखता। लाउड स्पीकर के खिलाफ यूपी सरकार के ई कार्रवाई सवेरे 5 से 7 बजे तक जारी बा। आसांज के कुछ समय खातिर चेकिंग भी हो जाला। ई अभियान 23 नवंबर से शुरू भिल बा आ 22 दिसंबर ले चली। सरकार एगो बयान जारी का कहलस कि अभी तक राज्य भर में 61,399 लाउडस्पीकर के जांच हो चुकल बा। एहमे से 7,288 लाउडस्पीकर के वॉल्यूम कम का के मानक के मुताबिक ले आवल गईल, जबकि 3,238 लाउडस्पीकर हटा दिहल गिल। तो ई भोजपुरी भाषा में आज के बड़का खबर रहे जवन सुर्खी बन गईल। हमनी के ई कंटेंट कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताई। काल्ह फेरू हमनी के भोजपुरी भाषा में बड़ खबर लेके रुआ खातिर मौजूद रहम जा। फिर अपन ख्याल राखी जा।